नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताया था और इसमें बताया था कि इसमें कौन कौन सा फीचर है उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो लोग भी पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं उनको इसमें कैसे काम करना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। और ये पोषण ट्रैकर ऐप पूरे भारत में लॉन्च किया गया है ICDS के तरफ से आंगनबाड़ी बहनों को काम करने के लिए। तो आप लोगों को पता होगा, जब आप लोगों को पिछले टाइम जब आप लोगों को मोबाइल मिला हुआ था तो उस समय कॉम केयर के लिए ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें काफी सारी समस्याएं आई थी। आप सभी के पास मोबाइल है और यूट्यूब से जुड़ी हुई है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस पोषण ट्रैकर ऐप के जितने भी सीरीज है उसमें उसका मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में काम कैसे करना है ताकि जब भी आप सभी को ट्रेनिंग मिले, ट्रेनिंग से पहले आप लोग तैयार रहें और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि डेमो अकाउंट से कैसे लॉगिन करना है, उससे आप सब भी लॉगिन कर सकते हैं। इसमें केवल सीखने के लिए उस डेमो अकाउंट का यूज कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग भी अपने मोबाइल में ये पोषण ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोग ये पोषण ट्रैकर ऐप को इंस्टॉल कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छा है और इस पर काम कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बारी बारी से बताने वाला हूँ। तो उसके बाद आप लोग इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप सब देख सकते हैं कि पोषण अभियान की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका यहाँ पे लॉगिन टू योर अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे तो OTP जाएगा लेकिन MPIN आपका यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग को ऑफिस की तरफ से MPIN जनरेट होकर आएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में डेमो अकाउंट लॉन्च हुआ है उसी से हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये सिर्फ डेमो अकाउंट है, ये सिर्फ डेमो अकाउंट है, यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए ये एक डेमो अकाउंट को लॉगिन करना है। तो चलिए मैं डेमो अकाउंट से आप लोगों को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग 98 लिखेंगे और 98 लिखने के बाद 8 बार 111 लिखना है। तो यहाँ पे 98 लिख दिया हूँ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 11 लिख के और यहाँ पे 4 बार 111 लिखना है, 1111। तो ऐसे क्या होगा कि आप लोग का ये डेमो अकाउंट सिर्फ सीखने के लिए लॉगिन हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे सीखने के लिए ऐसे ही लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से आप लोग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपका इंग्लिश में शो कर रहा है तो आप लोग यहाँ से अपना हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा टेस्ट यूजर, जो कि आप इसको टेस्ट यूजर सीखने के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। तो आप सबके सामने ये पहला ऑप्शन खुल के आ रहा है, गर्भवती महिलाएँ। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी पर बात करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा पहला चैप्टर है तो इसी पर मैं सारी डिस्कस करूंगा कैसे इसमें काम करना है। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे ये जितने भी सारे महिलाओं का सूची है जो कि यहाँ पे सिर्फ डेमो अकाउंट के लिए है, देख सकते हैं सिर्फ डेमो अकाउंट के लिए ये सूची लोड किया गया है कि आप लोग को सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं की सूची खुल के आ चुकी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करना है कि लाभार्थी कैसे जोड़ेंगे। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लाभार्थी का नाम भरना है, यहाँ पति का नाम भरना है, यहाँ पे आधार संख्या भरना है, आपके पास स्वास्थ्य आईडी का नंबर है तो वो भी भर सकते हैं, यहाँ पर जन्म का तारीख भरना है। जन्म की तारीख भरने के बाद जन्म का साल एड वहाँ पर उसका ऑटोमेटिक डेट सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है लाभार्थी का या लाभार्थी के पति का। उसके बाद यहाँ पे भरना है आप कितने महीने से गर्भवती हैं तो यहाँ पे चयन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या पहली गर्भावस्था है, हाँ या ना, क्या आपने पहले गर्भपात किया, हाँ ना में आंसर देना है। तो चलिए मैं सारा डेटा फीड करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप लोग भी इसको भर सकती हैं।
तो यहाँ पे लाभार्थी का नाम एंटर करेंगे, जो भी लाभार्थी यहाँ पे कोई भी नाम लिख देंगे, उसके बाद उसके पति का नाम लिख देंगे। यहाँ पे 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे, जो भी आधार नंबर होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ डेमो अकाउंट के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मैं फटाफट से डेमो अकाउंट के लिए कोई भी आधार नंबर डाल दे रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे स्वास्थ्य आईडी है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे डेट भरेंगे कि उसका जन्म की तारीख कितना है, तो यहाँ पे जन्म की तारीख यहाँ पर शो कर जाएगा, जब भी उसका जन्म हुआ है उसका यहाँ पे एंटर कर देंगे, उसका डेट भी लिख देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका जन्म तारीख आ जाएगा। उसके बाद किसी भी नंबर को यहाँ पे इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे चयन करेंगे कि आप कितने महीने से गर्भवती हैं, 2 या 4, 1, 2, 3, 4, 9 महीना जो भी है वहाँ पे, यहाँ पे 4 महीना मैं फीड कर दे रहा हूँ, 4 महीने क्या आप, यह आपकी पहली गर्भावस्था है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, कि आपने कभी गर्भपात किया है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सारा डेटा भरने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपना रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होता है, येलो डॉट का मतलब क्या होता है, और रेड डॉट का मतलब क्या होता है, तो इसको हम बारी बारी से जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग यहीं से जान सकते हैं कि वो कितने महीने की प्रेग्नेंट है। तो चलिए उसका डिटेल्स निकाल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन वाले पे टच 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करने पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल अपडेट करने पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो कि 1 महीने से 3 महीने तक के अंदर में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए यहाँ पे ग्रीन डॉट का निशान दिखाई दे रहा है। तो आप लोग वहीं से समझ जाएंगे कि ये 1 से 3 महीने के बीच की गर्भवती महिला है। और जो यहाँ पे येलो डॉट दिखाई दे रहा है तो उसके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसके बारे में जान जाएंगे कि वो कितने महीने से गर्भवती है। तो यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं 4 से 6 महीने के बीच में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उसका यहाँ पे डाटा शो कर जाएगा। तो यहाँ पे जो कि दिखाई दे रहा है ये 5 महीने की गर्भवती महिला है, तो आप लोग वहीं से समझ जाएंगे कि ये 4 से 6 महीने के बीच की गर्भवती महिला का ये डॉट दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर से आप बैक जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर से प्रोफाइल अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 महीने से 9 महीने के बीच की ये गर्भवती महिला है। तो इसी प्रकार से आप लोग डॉट का मतलब भी वहाँ पे समझ जाएंगे कि जो ग्रीन डॉट है या रेड डॉट है या येलो डॉट है, तो उसी के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि ये कितने महीने की गर्भवती महिला है। और इसके बाद किसी महिला का, गर्भवती महिला का और भी जानकारी एंटर करना है तो यहाँ पे 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो कर रहा है जानकारी एंटर करें। जानकारी एंटर पर क्लिक करते ही यहाँ पे तीन स्टेप में आप लोगों को जानकारी एंटर करना है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप। तो हम लोग बारी बारी से उस स्टेप को भर के दिखाते हैं। तो जैसे ही आप लोग पोषण स्तर का पहला स्टेप खोलेंगे तो यहाँ पे आप लोग, आपके सामने पूछेगा कि सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी है, तो उस महिला का ऊंचाई जितना भी होगा यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद उस गर्भवती महिला का वजन कितना है, तो यहाँ पे उसका वजन एंटर कर देंगे, जो भी वजन होगा, ये मैं सिर्फ डेमो अकाउंट के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग वजन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन, आपको हीमोग्लोबिन कितना था उस टाइम, तो 9, 10, 12 जो भी इंटर करना चाहें यहाँ पे इंटर करके, यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका डाटा, पहला डाटा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है पोषक आपूर्ति को यहाँ पे ओपन करेंगे। पोषक आपूर्ति ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, तो जो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि उस महिला को फॉलिक एसिड की गोली, आयरन की गोली, विटामिन की गोली, इसमें से क्या क्या दिया जाता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रतिदिन प्रोटीन कितना सेवन करती हैं, 10 ग्राम या जितना भी ग्राम प्रोटीन सेवन करती है उसको यहाँ पे फीड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आपको भरना चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
सबमिट पर क्लिक करते ही दूसरा अपडेट भी सक्सेसफुल हो जाएगा, रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से तीसरे वाले ऑप्शन पर जाना है जो कि पोषक हस्तक्षेप का है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आपको प्रदान किया जाता है टेक होम राशन THR प्रदान किया जाता है। और जिस दिन आपने ये अपडेट खोला है वहाँ पे, यहाँ पे उसका अपडेट शो कर देगा कि गुरुवार 4 मार्च 2021 को ये अपडेट खुला था। और उसके बाद यहाँ पे टेक होम राशन का अगर आप लोग क्या प्रदान किया जाता है, टेक होम राशन पे क्लिक करना है, क्लिक कर देंगे उसको, उस दिन गर्म पकाया हुआ खाना दिया गया था या नहीं दिया गया था, जो गर्भवती महिला वो अभी किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर रही हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक या आयुष जो भी सेवाएं प्राप्त करती हैं उस पर आप लोगों को सिर्फ सही का निशान लगा देना है। उसके बाद फिर से हम लोग क्लिक करेंगे तो तीसरा डाटा भी सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो भी जानकारी था इसमें मैंने बता दिया है, जो कि ट्रेनिंग में आप सबको सीखने को मिलेगा। उससे पहले ही आप लोग यहाँ पे बहुत सारी जानकारी सीख चुकी होंगी मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।